नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइनटेक बीआरके में। दोस्तों आजकल फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज बहुत ही कम आते हैं, या तो व्यूज बिल्कुल आते ही नहीं है, जीरो व्यूज ही रहते हैं, या फिर अगर व्यूज आते हैं तो 10-15 व्यूज आके हमारी फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज आना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम काफी सारे रीसेलर फेस कर रहे हैं, तो सोचा कि आज एक वीडियो बना के लोगों को बताऊं कि आखिर किस तरीके से एक पोस्ट प्रॉपर तरीके से की जाती है और उस पोस्ट के माध्यम से दोस्तों हम काफी अच्छे व्यूज लाकर ऑर्डर ले सकते हैं रीसेलिंग बिजनेस में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें समझते हैं। वैसे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें पॉइंट वाइज बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं कि फेसबुक मार्केट प्लेस आखिर क्या चाहता है। ठीक है, वहां पर आप पोस्ट करते हैं, आप ठीक है सेलिंग करते हैं, पैसा आप कमाते हैं, लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस क्या चाहता है, तो ये भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले फेसबुक मार्केट प्लेस यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सेलर हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और रीसेलर भी हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, या फिर होलसेलर जो कहीं ना कहीं फेसबुक मार्केट प्लेस पर डील करते हैं वो वहां पर आए फेसबुक पर, और वो अपना टाइम फेसबुक पर बिताएं। उनका तो यही मकसद है, उनका ऐसा कोई मकसद नहीं है कि वो पैसा कमाएं। ठीक है, जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनसे पैसा कमाएं, उनका ये मकसद नहीं है। उनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मार्केट प्लेस पर आए। अब दोस्तों व्यूज लाना है हमें तो आगे, ठीक है, तो हमें फेसबुक को समझना होगा वो क्या चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा ऑर्डर ला पाएंगे। सबसे पहले फेसबुक मार्केट प्लेस की जो पॉलिसी है उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर ला सकते हैं। अब सारी चीज़ें बात करते हैं पॉइंट वाइज। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है और लोग क्या गलती करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आज की वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बहुत ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, या तो फेसबुक मार्केट प्लेस पर वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसमें दोस्तों 1 रुपये प्राइस रखते हैं, जो कि फेसबुक पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, और दूसरा वो प्रोडक्ट फ्री में, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि फ्री में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से वो वहाँ पर डालते हैं, प्राइस बिल्कुल नहीं डालते हैं। ठीक है, खाली छोड़ देते हैं, इस वजह से फेसबुक उसको 0 प्राइस दिखाता है। तो ये भी दोस्तों फेसबुक की जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन होता है, और इस वजह से फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपके व्यूज नहीं आते हैं, और अगर आ भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ही टाइम में फेसबुक मार्केट प्लेस, ठीक है, जो उनकी टीम है फेसबुक की, वो आपको ब्लॉक कर देगी और आपका फेसबुक मार्केट प्लेस है वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, प्राइस आप जो उसकी होती है वही प्राइस डालिए। ठीक है, जो उसकी रियल प्राइस है वही वहाँ पर आप प्राइस मेंशन कीजिए। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपके ऑर्डर भी आते हैं और व्यूज़ भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों ट्रेंडिंग प्रोडक्ट डालिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, डिमांड में होते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं तो इससे दोस्तों आपके ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर दोस्तों आप डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं डालते हैं, आप कुछ भी अनाप शनाप फेसबुक पर डालते हैं, तो इससे फेसबुक आपके प्रोडक्ट को ना तो ज़्यादा प्रमोट करता है और ना ही दोस्तों उस पर लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट डालने की कोशिश कीजिए, आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे और काफ़ी सारे, ठीक है, ऑर्डर भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है दोस्तों अपनी लोकेशन को चेंज करते रहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते रहते हैं कि हम जैसे आज लिस्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, और उस लिस्ट किए हुए, ठीक है, प्रोडक्ट पे अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप उसको दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके एडिट कीजिए और उसकी जो लोकेशन आपने डाल रखी है उस लोकेशन को चेंज कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर बदल दीजिए ताकि दोस्तों वहाँ पर व्यूज़ आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आप लोकेशन बदल सकते हैं, तीसरा पॉइंट दोस्तों यही मेरा है। ठीक है, लोकेशन चेंज करते रहिए। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है वो है दोस्तों अपनी पोस्ट को एडिट करते रहें, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस पर, ठीक है, देखा गया है कि कई ऐसी पोस्टें होती है जिन पर व्यूज़ तो शुरुआत में तो नहीं आते, ठीक है, लेकिन जब हम उन पोस्ट को कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे आज मैंने कोई पोस्ट की और 3 दिन बाद में मैं देखता हूँ कि उस पोस्ट पर कोई व्यूज़ नहीं है, तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, उस पोस्ट को एडिट करूँगा और उसके अंदर कुछ भी, ठीक है, इधर उधर थोड़ा बहुत लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, प्राइस थोड़ा सा 10-20 रुपये कम कर सकता हूँ, और हो सकता है कि मैं उस पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस करूं, तो इस तरीके के कुछ चेंजेस करने के बाद मैं उसको फिर से अपडेट कर देता हूं। ठीक है, तो उसके बाद उसको व्यूज आना शुरू हो जाता है और इससे फेसबुक को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा एक्टिव है और हमारे, ठीक है, जो फेसबुक पे इसने लिस्ट किया है उस पर ये कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा है, मतलब ये सच में एक सेलर है जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। ठीक है, तो इससे भी वो आपकी पोस्ट को और ज़्यादा रैंक करता है, ग्रो करता है। अब दोस्तों जो 5 नंबर पे पॉइंट की बात करते हैं वो है दोस्तों रेगुलर आप पोस्ट करते रहिए ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ आप एक एक्टिव सेलर हैं। ठीक है, और अगर फेसबुक को ऐसा नहीं लगता है, आप बीच में 2 या 3 दिन का भी गैप करते तो फेसबुक को ये लगता है कि एक बंदा एक्टिव, ठीक है, सेलर नहीं है, इस वजह से दोस्तों वो आपकी पोस्ट होती है उनको दोस्तों डाउन रैंक, ठीक है, उनकी रैंक को गिरा देता है, या फिर आप बाद में भी पोस्ट करते तो वो उनकी रैंक को इतना ज़्यादा, ठीक है, सीरियसली नहीं लेता और उसको रैंक नहीं करता है और लोगों के सामने इंप्रेस नहीं,
इंप्रेशन नहीं भेजता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो आप दोस्तों रेगुलर एक्टिव रहिए, अगर आप दिन में एक पोस्ट भी कर सके तो ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कर सके तो दोस्तों तीन पोस्ट तो ज़रूर कीजिए, सुबह, दोपहर और शाम को। अब दोस्तों जो लास्ट और सट्टा पॉइंट है वो है दोस्तों प्रॉपर रेस्पॉन्स दीजिए, तुरंत रेस्पॉन्स दीजिए। और इसमें दोस्तों बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, मुझसे भी कई बार ऐसी गलतियाँ होती है कि मैं जब आज अगर ठीक है सुबह मेरा एक टाइम टेबल रहता है, मैं सुबह जब मार्केट प्लेस पर पोस्ट करता हूँ तो मैं दूसरे दिन उन सभी को रिप्लाई करता हूँ। कहीं ना कहीं ये गलती मेरी भी होती है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रॉपर तुरंत अगर रेस्पॉन्स दे सके तो तुरंत दोस्तों जो भी लोग आपसे ठीक है उस पोस्ट से रिलेटेड, आपने जो प्रोडक्ट डाला उससे रिलेटेड अगर कोई प्राइस पूछता है या फिर कोई पूछता है कि अवेलेबल है या नहीं है, तो आप उनको तुरंत और प्रॉपर रेस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। तो इससे दोस्तों फेसबुक को लगेगा कि हाँ ये बंदा है वो एक्टिव है, और जो भी ठीक है इनके पास ठीक है जो बायर आ रहा है उनको ये सेलर प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है। तो इस वजह से दोस्तों होता ये कि फेसबुक दोस्तों आपकी पोस्ट को और ज़्यादा बूस्ट करता है और ज़्यादा लोगों तक भेजता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा अच्छा है, काम कर रहा है और प्रॉपर लोगों को रेस्पॉन्स दे रहा है, तो फेसबुक को आप एक अच्छे और सही तरीके के सेलर लगते हैं, तो इससे आपकी पोस्ट रैंक होती है। तो दोस्तों ये थे सेव पॉइंट जिनकी मदद से दोस्तों आप अपनी फेसबुक मार्केट प्लेस के पोस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, व्यूज़ बढ़ा सकते हैं, और जब व्यूज़ बढ़ेंगे तो ज़्यादा ऑर्डर भी आएंगे, ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो होता है सारा दोस्तों खेल है, ठीक है, जो था वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है। बाकी इसके ऊपर और भी 8 पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बता दे, जो वीडियो ठीक है फेसबुक मार्केट प्लेस पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए, इसमें दोस्तों तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है यूट्यूब में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और लाइक ज़रूर करिए यार, लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल अगर पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।